अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला हुसैन और आप देख रहे हैं सीएच एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, ये टॉर्च होती है, रिचार्जेबल टॉर्च, इसके जो पीछे से कनेक्टर्स होते हैं जो बोर्ड में लगते हैं, तो ये अक्सर टूट जाते हैं इनमें से एक, यानी एक अगर टूट जाते हैं इसका स्प्रिंग खराब होता है जिसको पीछे करता है। दोस्तों, आज हम इसी को चेंज करना सीखेंगे, तो चलें जी चलते हैं स्टूडियो की तरफ और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं टॉर्च है, इसे हमने रिपेयर करना है। इसकी चार्जिंग वाला खराब हुआ हुआ है, एक लैग टूटी हुई है जो बोर्ड में लगती है, और अब हम इसे रिपेयर करेंगे। और अब इसे हमने खोल लेना है पेचकस की मदद से। खोलने के बाद इसके ऊपर से, यहाँ से भी जी, यहाँ से हमने खोलना है, नहीं तो नहीं खोलेगी। और इसके ऊपर जो रेड है ना, ये भी उतार लेना है। अब इसे खोलेंगे तो बासानी खुल जाएगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं बैटरी के बिल्कुल नीचे चार्जिंग के लिए कनेक्टर्स दिए गए हैं। अब हम उनको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इनको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। ये देख सकते हैं मैंने निकाल लिया। आप उसे निकाल लेंगे अगर, तो वहाँ से ऊपर से उठा लीजिएगा, इसे ऊपर पड़ा होता है। तो ये देख सकते हैं आप, इसे निकालने के बाद अब हमें दूसरा ही चाहिए होगा इसी तरह का सेम। और दोस्तों, आपको 10 रुपये का मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से। और देख सकते हैं जहाँ इसी तरह से मैंने निकाला, तो ऐसे ही वापस लगा देना है। और ये आगे पीछे भी हो रहा है, ये देख सकते हैं बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। अब जहाँ से हमने इसे निकाला था और वहीं पे वापस हमने फिट करके, तो इसका नट बंद कर लेना है। ये देख सकते हैं, आपने चेक कर लेना। तो दोस्तों, ये देखिए अभी हो गया। मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखना